भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 9 फरवरी से टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। 4 मैचों की सीरीज का पहला मैच नागपुर में होना है। इस बॉर्डर गावस्कर सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम 1 फरवरी को भारत पहुंचने वाली। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में जाकर टेस्ट सीरीज में हराया था। इस सीरीज में भी टीम इंडिया को जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के स्टार सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर का कहना है कि भारत के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज से पहले काफी थके हुए हैं। 36 साल के वार्नर ने गर्मियों के व्यस्त कार्यक्रम में कई प्रारूपों के मुकाबले खेले, जिसमें जिम्बाब्वे, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज शामिल है। वार्नर T20 विश्व कप में खेलने के साथ बिग बैश लीग में सिडनी थंडर्स के लिए आधा दर्जन मैच भी खेले। वार्नर ने क्रिकबस से कहा, ये काफी चुनौतीपूर्ण है, मैं काफी थका हुआ हूँ। कुछ खिलाड़ी यूएई लीग के लिए गए हैं, लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के पुरस्कार समारोह में शिरकत नहीं कर रहे हैं। पर अगर मेरी बात करें तो परिवार के साथ एक और रात घर पर रहना अच्छा होता, लेकिन ये आपके हाथ में नहीं है। 100वें टेस्ट में जड़ा था शतक। खतरनाक सलामी बल्लेबाज वार्नर ने अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाकर खराब फॉर्म से वापसी की। वो सिडनी थंडर्स के लिए 20 गेंद में नाबाद 36 रनों की पारी के दौरान अच्छे फॉर्म में दिखे। उन्होंने कहा, मैं थंडर्स टीम में कुछ ऊर्जा भरने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इस साल ये अच्छा नहीं रहा, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि अगले साल मैं अब की तुलना में ज्यादा तरोताजा होकर खेलूं।